Hello students, I am again back with part 3 of chapter number 8, India Geographical Features. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. बेटा हम यहाँ तक पार्ट टू में कंप्लीट कर चुके हैं. पार्ट थ्री हम स्टार्ट करेंगे द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से. तो पहली बात ध्यान से सुनो, ये इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है और ये इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है. अब कोस्ट आप किसको बोलोगे, कोस्टल प्लेन्स आप किसको बोलोगे बेटा, जहाँ से आप वाटर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, मतलब सी के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ओशन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, और उसके पास में अगर आपको कोई प्लेन मिल रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन. ये कोस्टल प्लेन है और कोस्टल प्लेन के पास ही दे हमें क्या मिलेगा, हमारा ओशन या सी. तो ये वाले, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है. तो अभी हम पढ़ेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. जो वेस्टर्न प्लेन्स हैं वो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में है. देखो जैसे ये मैंने बताया, यहाँ पर ये मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स और यहाँ पर मिलेगी अरेबियन सी. तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में मिलेंगे हमें कोस्टल प्लेन्स, क्लियर है. दिस स्ट्रेच फ्रॉम कच्छ इन नॉर्थ, नॉर्थ में कच्छ से शुरू होके साउथ में कन्याकुमारी पे ख़त्म होते हैं. फिर से देखो, कच्छ से शुरू होके कन्याकुमारी पे ख़त्म होते हैं हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. अब बेटा जो कोस्टल स्ट्रिप है महाराष्ट्र की, उसे हम कहते हैं कोंकण कोस्ट, कर्नाटका में उसे कहते हैं कनारा कोस्ट, और फर्दर साउथ में जाओगे तो क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट. देखो मैं दिखाती हूँ आपको पिक्चर के थ्रू, ये रहा हमारा वेस्टर्न कोस्ट कोस्टल प्लेन. तो इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो ये महाराष्ट्र और ये गोवा वाला जो पार्ट है बेटा, इसको हम कहते हैं कोंकण कोस्ट, ठीक है. फिर यहाँ पर आएगा कर्नाटका, तो कर्नाटका वाले पार्ट पे हम इसे बोलते हैं कनारा कोस्ट या कन्नड़ कोस्ट. फिर यहाँ पर है केरला, तो केरला में इसे हम बोलते हैं, यहाँ लिख रही हूँ मैं, मालाबार कोस्ट, ठीक है. तो हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कोस्टर्न, कोंकण, कन्नड़ या कनारा और मालाबार कोस्ट, ठीक है. फिर से एक बार याद कर लो, महाराष्ट्र में है कोंकण, कर्नाटका में है कनारा और केरला में है मालाबार. बेटा यहाँ से इस कोस्ट से बहुत सारी स्ट्रीम्स निकलती हैं, पर इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, ठीक है, और कैशमेंट एरिया भी बहुत कम होता है, ठीक है. तो ये जो पर्टिकुलर एरिया होगा, यहाँ से बहुत सारी रिवर स्ट्रीम्स तो निकलेंगी पर उनका जो पाथ होगा बहुत छोटा होगा. अब यहाँ पर हमें बहुत सारे लगूनस मिलेंगे. लगूनस क्या होती हैं बेटा, लगूनस होती हैं सॉल्ट वाटर लेक्स. लगूनस क्या है, सॉल्ट वाटर लेक्स. तो यहाँ पर हमें बहुत सारी लगूनस मिलेंगी, बैक वाटर्स मिलेंगे जिन्हें हम कहते हैं कयाल्स. और ये जो कयाल्स होते हैं ये स्पेशल फीचर है इस एरिया के. केरला में लगूनस को क्या कहते हैं बेटा, कयाल्स. और ये जो कयाल्स हैं ये इंपॉर्टेंट फीचर है इस एरिया के. अब हम देखेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. क्या देखेंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये वाले पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन गंगा से लेके कन्याकुमारी तक है. कहाँ, गंगा से लेके कन्याकुमारी तक है. ये वाइडर है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से. तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये थोड़े से वाइड है, चौड़े हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स थोड़े से नैरो हैं, ये थोड़े से वाइड है. जो नदन हाफ है कोस्टल प्लेन का, इन्हें नदन सरकार्स बोलते हैं. इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्दर्न नदन सरकार्स. और ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेटा कोरोमंडल कोस्ट. क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट. चलो, तो जो नदन हाफ है कोस्टल प्लेन का उसे नदन सरकार्स बोलते हैं. जो सदन हाफ है नेलोर टू कन्याकुमारी, इसे कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं. आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला जो पार्ट है वो कोरोमंडल कोस्ट में जाएगा. ऑल अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट, पूरे ईस्टर्न कोस्ट पे ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स ने बड़े बड़े डेल्टास बनाए हुए हैं. मैंने आपको बताया था ना कि इस प्लेट्यू का ढाल ऐसा है, तो बहुत सारी रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं. तो जब ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं तो यहाँ बना लेती हैं बढ़िया से डेल्टास, जिनकी सॉइल होती है बहुत फर्टाइल. तो ऑल अलॉन्ग ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट पे ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा बना रही हैं, जहाँ पर आपको वास्ट क्वांटिटी में एलुवियम मिलेगा. अब हम अमेजिंग
फैक्ट्स देखेंगे इंदिरा पॉइंट के रिगार्ड्स में. इंदिरा पॉइंट एक लाइट हाउस था फॉर्मली नोन एज पिग्मेलियन पॉइंट. पिग्मेलियन पॉइंट बाद में इसका नाम रखा गया इंदिरा पॉइंट. ये आइलैंड ऑफ ग्रेट निकोबार में सिचुएटेड था. इन निकोबार आइलैंड ईस्ट इंडियन ओशन में, ईस्टर्न इंडियन ओशन में जो निकोबार आइलैंड है उसका एक आइलैंड है जिसका नाम है आइलैंड ऑफ ग्रेट निकोबार. वहाँ पर पिग्मेलियन पॉइंट था जिसे बाद में इंदिरा पॉइंट नाम रख दिया गया. ऑल दो कन्याकुमारी इज़ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इटसेल्फ. कन्याकुमारी सदर्न मोस्ट टिप था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, पर जो इंदिरा पॉइंट था वो फारदेस्ट साउथ ऑन इंडियन सॉइल, मतलब इन भारत की ज़मीन पे सबसे फारदेस्ट साउथ पॉइंट था इंदिरा पॉइंट. पर कब तक था बेटा? जब तक 2004 में सुनामी नहीं आई थी. पर इस सुनामी ने इंदिरा पॉइंट को डुबा दिया. Until the tsunami generated by 2004 Indian Ocean earthquake damaged much of its area, partially submerging the lighthouse. So lighthouse पानी के अंदर चला गया. 2004 के पहले ये था हमारा इंदिरा पॉइंट, पर अब ये रहा हमारा इंदिरा पॉइंट. आधे से ज़्यादा इंदिरा पॉइंट तो पानी के अंदर चला गया. देखो पानी के अंदर अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक से आई सुनामी. जो इम्पॉर्टेंट डेल्टा बनाती है यहाँ की रिवर, वो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी. ये जो डेल्टा हैं ये हार्बर के लिए बच्चा बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है क्योंकि सिल्ट बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, नदियों का कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे. तो ये जो डेल्टाज हैं ये सूटेबल नहीं है हार्बर्स के लिए क्योंकि इनके माउथ जो है जहाँ पर ये रिवर ओशन से मिल रही है वहाँ पर सिल्ट बहुत ज़्यादा है. बहुत सारी लेक्स हैं ईस्ट कोस्ट पे, जैसे चिलिका लेक उड़ीसा में है, कुलेर पुलिकट आंध्र प्रदेश में है, कुलेरू और पुलिकट आंध्र प्रदेश में है, चिलिका उड़ीसा में है. और चिलिका लेक बहुत ज़्यादा फेमस है फ्लैमिंगोस के लिए. चलो अब हम आइलैंड की बात करेंगे. तो हमारे पास 2 sets of आइलैंड हैं, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप. तो बेटा जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ये बे ऑफ बंगाल में है, 6 degrees to 14 degrees नॉर्थ में. ये रहा हमारा इंडिया और ये रहे अंडमान निकोबार आइलैंड. तो ये 6 degrees से स्टार्ट है हमारा इंडिया, तो 8 degrees से स्टार्ट है, 8 degrees 4 minutes से स्टार्ट है. पर हमारा जो अंडमान निकोबार है वो 6 degrees से स्टार्ट है और 14 पे ख़त्म है. यहाँ पर 550 आइलैंड्स हैं, 550 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं. मोस्ट ऑफ देम आर टू स्मॉल, बहुत सारे तो इतने छोटे हैं कि उन्हें इनहैबिटेड ही रखा गया है, मतलब वहाँ पर जनसंख्या रह ही नहीं सकती. कुछ का ओरिजिन वॉल्केनिक है, कुछ आइलैंड का जो ओरिजिन है वो वॉल्केनिक है. जो निकोबार है उसमें 19 आइलैंड्स हैं. निकोबार में कितने आइलैंड हैं? 19. और बेटा एक और आइलैंड है जिसका नाम है आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमनदीवी, ये अरेबियन सी में है, इसे लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं. ये 8 degrees north से स्टार्ट होके 12 degrees north पे ख़त्म होता है. यहाँ पर है ये छोटे 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 आइलैंड है, 8 degrees से स्टार्ट होके 12 पे ख़त्म हो जाता है. अब हम बात करेंगे ड्रेनेज की. इंडिया बहुत ब्लेस्ड है बच्चा कि हमारे पास बहुत सारी बड़ी और बहुत सारी छोटी रिवर्स भी हैं, ठीक है, विच ड्रेन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ सब कॉन्टिनेंट. पूरे इंडिया में ये बहती हैं, ठीक है, पाकिस्तान में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं, नेपाल में भी हैं, भूटान में भी हैं, मतलब अच्छी खासी रिवर्स आपको मिल जाएगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. और अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी ये ग्रेट सोर्स हैं वाटर का. अब पानी से आप इरिगेशन कर सकते हो, मतलब सिंचाई कर सकते हो, खेतों में पानी दे सकते हो. नेविगेशन आप रिवर को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हो. इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी रिवर का यूज़ हो सकता है. और रिवर से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका भी बहुत ज़्यादा यूसेज है. अब हमारा इंडिया 20% की जो रिक्वायरमेंट है, 22% की रिक्वायरमेंट हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट, मतलब पानी से बनी हुई बिजली से पूरी कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से पूरी कर रहे हैं. ऑलमोस्ट ऑल द प्लेन्स हैव फॉर्म्ड बाय डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर. और जितने भी प्लेन्स बने हुए हैं ना वो रिवर्स नहीं बनाए हैं, अपने कचरे मिट्टी सिल्ट सैंड को डिपॉजिट करके. अब नॉर्दर्न प्लेन्स की रिवर की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स पे जो मेन रिवर हैं उनमें 3 रिवर्स का नाम आएगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस.
इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये पेरिनियल रिवर हैं और डू नॉट डिपेंड ऑन मानसून रेन। इन रिवर्स में पानी साल भर रहेगा, बारिश हो या ना हो, क्योंकि इनका जो ओरिजिन है वो ग्लेशियर से हुआ है, इंडस रिवर का भी, ब्रह्मपुत्र रिवर का भी। और जो रिवर गंगा है ये बनती है भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर से मिलके, तो भागीरथी रिवर भी और अलकनंदा रिवर से भी रिवर भी ओरिजिनेट होती हैं। कहाँ पर? कहाँ पर? ग्लेशियर से। इंडस रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इंडस रिवर सिस्टम और उसकी इंडस रिवर और उसकी पांच ट्रिब्यूटरी सब मिलके क्या बनाती है? इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम में एक तो मेन रिवर इंडस है और उसकी पांच ट्रिब्यूटरी हैं जिनके नाम बड़े प्यारे प्यारे हैं, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम बनाती है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नहीं, वन ऑफ द लार्जेस्ट, एक बड़ा रिवर सिस्टम बनाती हैं। दूसरा गंगा रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो गंगा रिवर सिस्टम है उसमें रिवर्स आएंगी बहुत सारे। एक तो मेन रिवर गंगा रहेगी और दूसरी उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज। जो मेन रिवर हैं गंगा रिवर सिस्टम की वो है गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी फ्रॉम द नॉर्थ बैंक, और दूसरा चंबल, दामोदर, बेतवा, सोन फ्रॉम सदर्न साइड। ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी तो है नाइल, तो लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की ब्रह्मपुत्र रिवर। ये तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश तीन कंट्रीज में बहती है। पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, तो जितनी भी रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की वो मानसून डिपेंडेंट रिवर्स हैं, वो पेरिनियल नहीं होती हैं। ज़्यादा बारिश होगी उनमें ज़्यादा पानी होगा, कम बारिश होगी कम पानी होगा, बारिश नहीं होगी तो उनमें पानी ही नहीं होगा। दे आर स्विफ्ट फ्लोइंग एंड डू नॉट मेक डेल्टास, ये स्विफ्ट फ्लोइंग है, डेल्टास नहीं बनाती हैं। इंस्टीड ऑफ डेल्टास दे फॉर्म एस्टुरीज, ठीक है, क्या बनाती है? एस्टुरीज बिफोर ज्वाइनिंग बे ऑफ बंगाल। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं पेनिनसुलर इंडिया की, वो है महानदी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो बेटा एक बात बताऊँ, नर्मदा और तापी ही दो रिवर ऐसी हैं जो एस्टुरीज बनाती हैं, बाकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तो डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। फिर से मेरी बात सुनना, पेनिनसुलर प्लेट्यू की दो रिवर की बात जरूर हम कर सकते हैं, जैसे नर्मदा और तापी, ये एस्टुरीज बना रही हैं, पर बाकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तो क्या बनाती हैं बेटा? डेल्टा बनाती ही हैं। नदन एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का अगर हम कंपैरिजन देखें तो जो नदर्न इंडिया की रिवर्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं सदर्न इंडिया से, क्योंकि ये स्नो फेड है और कभी भी मानसून पे डिपेंड नहीं करती, इनमें साल भर पानी होता है। जो रिवर है नदर्न प्लेन की वो फ्रेश एल्यूवियल सॉइल लेके आती है हर साल, पर जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं हैव सच सॉइल ओनली इन स्मॉल डेल्टाज, इनके स्मॉल डेल्टाज पर ही आपको ऐसी एल्यूवियल सॉइल मिलेगी, बाकी नहीं। जो रिवर्स है नॉर्थ इंडिया की वो इरिगेशन के लिए बहुत अच्छी हैं क्योंकि ये फ्लैट फर्टाइल प्लेन पे फ्लो करती हैं, पर जो पेनिनसुलर रिवर हैं ये लेस सुटेबल है इरिगेशन के लिए क्योंकि ये रॉकी एरियाज़ के ऊपर फ्लो करती हैं। अब हम देखेंगे बेटा ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में डिफरेंस, तो ये है हमारे ईस्टर्न घाट्स, ये हैं वेस्टर्न घाट्स। तो जो वेस्टर्न घाट है फ्लैंक द डेक्कन लावा प्लेट्यू ऑन द वेस्ट, ये डेक्कन लावा प्लेट्यू को वेस्ट में फ्लैंक करता है। ईस्टर्न घाट्स बॉर्डर द पेनिनसुलर इंटीरियर ऑन द ईस्ट, ये ईस्ट में पेनिनसुलर इंडिया की बाउंड्री बनाता है। ये इनका जनरल एल्टीट्यूड है 900 से 1100, मतलब जो वेस्टर्न घाट्स है उनका जो हाइट होगी वो है 900 से 1100, पर ये इतने हाइटेड नहीं है, ईस्टर्न घाट्स इतने हाइटेड नहीं है और कंटिन्यूस भी नहीं है। ये जो घाट्स हैं वेस्टर्न घाट्स, ये जनरली फॉरेस्टेड हैं विद द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन चेंजिंग फ्रॉम एवरग्रीन टू डेसिडियस वेराइटीज़। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पर आपको डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलेंगे। जो नदर्न हिल्स हैं वो मोस्ट फॉरेस्टेड हैं एज कम्पेयर टू सदर्न हिल्स। चलो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में डिफरेंस पड़ेंगे। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है यहाँ पर नैरो एल्यूवियल मार्जिन है, बहुत कम प्लेस में एल्यूवियल अवेलेबल है।
एंड इंटरस्प्रेड बाय हिली टेरेन्स, और हिली टेरेन्स ने उसको दूर दूर तक फैला रखा है। पर जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये वाइट प्लेन्स है जहाँ पर वेल डेवलप्ड डेल्टाज हैं, कहाँ पर ऑन द माउथ ऑफ रिवर्स। ये जो कोस्ट है यहाँ पर ब्यूटीफुल लगून्स मिलेंगे, मालाबार कोस्टल एरियाज मिलेंगे, बहुत सारी एस्ट्रीज मिलेगी कोंकण कोस्ट पे। पर जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये डेल्टा से बने हुए हैं, यहाँ पर मेजर रिवर्स हैं पर लगून्स बहुत कम हैं। जो कोंकण कोस्ट है उसे आप गुजरात, कोंकण और मालाबार कोस्ट में डिवाइड कर सकते हो। दिस कोस्ट इज़ डोमिनेटेड बाय साउथ वेस्ट मानसून विंड, और इस कोस्ट को डोमिनेट करती हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड। ये जो कोस्ट है इसके टू ब्रॉड डिवीजन है, एक है कोरोमंडल कोस्ट, दूसरा नॉर्दर्न सिरकास, और इन्हें साउथ वेस्ट मानसून विंड डोमिनेट करती हैं, एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड भी डोमिनेट करती है। सो स्टूडेंट आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर, ओनली इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम टू राइट इन कमेंट सेक्शन।